देखिए रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है और सेंसेक्स में करीब जो है हम देख रहे हैं 200 अंकों की मजबूती देखने को, निफ्टी में देखिए करीब 65-66 अंकों की तेजी थी, अभी करीब 54 अंकों की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात है कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ एक और स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अंचल, अभी तक ब्रेक से पहले आपने दो स्टॉक्स की बात की थी जिसमें कि आपको लगता है जेके टायर और एबीबी जिसमें वैल्यूएशन सस्ते हो गया, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तीन शेयर और कौन से हैं जिसमें निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, एक बेहतर रिटर्न की गुंजाइश देखी जा सकती है? मनीष, तीसरा शेयर रहेगा इन्फोसिस का। देखिए इन्फोसिस का शेयर करीब करीब 34-35% टूट चुका है बेहतरीन वैल्यूएशंस पे, और यहाँ से एक अच्छी अप्रिसिएशन आती हुई दिखेगी। शेयर के वैल्यूएशंस भी बेहद आकर्षक हैं, करीब करीब 74 रुपये की कैश ईपीएस है कंपनी की, तो काफ़ी अच्छी कैश होल्डिंग है कंपनी की। सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, महज 13.5 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक सर्ज आती है, वापस आईटी सेक्टर सुधरता है, तो डेफिनेटली इन्फोसिस एक शेयर होगा जो उस रैली को लीड करता हुआ दिखेगा। सन फार्मा एक और काउंटर है जहाँ पे शानदार वैल्यूएशंस आ गई हैं अब बाजार में गिरावट आने के बाद, शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ मनी ये है कि खुद मैनेजमेंट मानती है शेयर की फेयर वैल्यू 900 रुपये, और वही कारण था 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक लाया गया था। तो यहाँ जो अभी गिरावट आई है ये एक अच्छा मौका बन सकती है। अगर कंपनी कैश ईपीएस की बात करें, करीब 33 रुपये की कैश ईपीएस है, मल्टीपल सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी भी सस्ते में, करीब 21 के मल्टीपल में ट्रेड करता है। और आखिरी शेयर रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का, लेकर कारोबार में कंपनी है, मैनेजमेंट चेंज होने के बाद से एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आई है, कारोबार वापस से स्ट्रीमलाइन हो रहा है और आगे भी जो एक इम्प्रूवमेंट है वो जारी रहती हुई दिखेगी। कंपनी के पास करीब करीब 75 रुपये की कैश ईपीएस है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश ईपीएस मानी जाती है, और क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत है तो इसलिए एक अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है कंपनी का। अगर आप वैल्यूएशन एज इन मल्टीपल्स की बात करें तो करीब 26 के मल्टीपल में शेयर ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर का जो नॉर्मल मल्टीपल है वो 36 का है। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पर निवेश किया जा सकता है, गिरावट आ गई है, खरीदारी का एक मौका है, अच्छे वैल्यूएशन है, आकर्षक लेवल्स पे सब शेयर हैं। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, सस्ते में अच्छे शेयर हैं। शुक्रिया अंचल। मानस, जिन स्टॉक्स की बात अंचल ने की है, आपको इसमें से 5 स्टॉक्स, उसने फंडामेंटल रीजंस कई सारे बताए, तकनीकी तौर पे आप में से अगर किसी एक या दो शेयर को पिक करना हो तो आप किस पे भरोसा सबसे ज़्यादा जताएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि टायर क्षेत्र एक ऐसा स्पेस है जहां पर शायद आने वाले टाइम में अगर आप सिलेक्टिव होते हैं तो आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो इन 5 स्टॉक में सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म चार्ट जेके टायर्स के लगते हैं। जरूर हमने गिरावट देखी पिछले दिनों, 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, पर अगर आप चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि 115-110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो मेरे हिसाब से अगर 6-8 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम अगर आप रख सकते हैं तो बिल्कुल जेके टायर में खरीदारी करिए, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस हमें 150 और 160 तक के स्तर जेके टायर्स में देखने को मिलेंगे। तो जेके टायर में 150 से 160 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, शेयर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं टायर सेक्टर भी ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर जुड़ा हुआ था। और बाकी ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए काफ़ी दिनों के बाद लगातार हमने देखा बीते 1.5 हफ्तों से गिरावट, लेकिन अब कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश है। अमरा बैटरी, मदसन सुमी, जीएमटी ऑटो, रिको ऑटो, जीएबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिले। कुछ और स्टॉक्स देखिए, सोना कोयो, ओमेक्स ऑटो, गैब्रियल, एक्साइड, यूकाल फील जैसे स्टॉक्स है जहां हल्की खरीदारी देखने को मिले। बड़ी तेजी नहीं है पर अच्छी बात है गिरावट अब कहीं ना कहीं थमती भी दिखी है। क्या इसमें से एक दो शेयर आपको पसंद है जहां खरीदारी करनी चाहिए अब इस लेवल पे, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा कि 15-20% तक की गिरावट देखने को मिली इन शेयरों में, क्या आपको एक दो शेयर पसंद है जहां आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए, रिटर्न देखने को मिल सकता है बेहतर? देखिए, जितने स्टॉक्स आपने बताए हैं उसमें से एक्साइड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मैं समझता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें बेहतर स्तर देखने को मिल सकते हैं। शायद अगर करीब एक टारगेट सेट करें 8-10 मंथ का तो पॉसिबल है कि 210 तक के स्तर देखने को मिले, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 172 के आसपास आता है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजिशन बनाए। इसके अलावा अगर हम इसी सेक्टर की बात करें तो भारत फोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जो कि चार से बेहतरीन लगता है, क्योंकि इसने 900 रुपये के लेवल्स ब्रेक किए हैं और 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 960-970 तक किस तरह देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी, अपने स्टॉप लॉसेस 894 के नीचे रखें।
तो सीधे तौर पे ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स ऑटो इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको मजबूती देखने को मिल सकती है, खासतौर पे इंडस्ट्री में हालांकि उन्होंने बिकवाली करने सलाह दी उनको, लेकिन लगता है कि एक्साइड एक ऐसा शेयर होगा जहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। SRF भी एक शेयर है जिसमें वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ दबाव देखने को मिल सकता है। जब बाजार में हमने तकनीकी तौर पर कई सारे स्टॉक्स की आपके साथ चर्चा की और हमने बताई कि जहाँ आपको खरीदारी या बिकवाली के मौके देखे जा सकते हैं, एक्साइड देखिए अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा, बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऐसे में ये बेहद जानना जरूरी है कि बड़े म्यूचुअल फंड इस बाजार में क्या कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है सुनील सुब्रमण्यम हैं, CEO हैं सुंदर म्यूचुअल फंड के। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। हमने देखा है कि बीते एक डेढ़ हफ्तों में जिस तरह से बाजार का मूड बदला है, जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, अभी आप लोग क्या नजरिया लेकर चल रहे हैं बाजार पे? देखिए हमारी एक थॉट प्रोसेस यही होती है कि 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम में कहाँ से इन्वेस्टर को अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन बना सकते हैं। तो क्या होता है हमारे यहाँ पर कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को जो स्टडी करते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होती है, उसको हम खरीद के हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है, ये शॉर्ट टर्म में ये जो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन का, इसमें क्या है कि कैश इकोनॉमी में थोड़ा असर पड़ा है, तो नेचुरली कंजम्पशन के सेक्टर में थोड़ा तो डिमांड का असर पड़ेगा अगले 2-3 महीने में। तो इसके कारण वैल्यूएशन थोड़ा गिर सकते हैं और थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं। बट हमारे लिए क्योंकि हम 3 से 5 साल की एक आउटलुक रखते हैं, तो हमें क्लैरिटी है कि कौन सा स्टॉक अच्छा करने वाला है, किसके लिए टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर उसमें हमारा जो इंडिविजुअली हर स्टॉक के लिए हम पी रेशो कैलकुलेट करते हैं, और अगर उस वैल्यूएशन के नीचे आज स्टॉक बिक रहा है तो ऑटोमेटिकली जाके खरीदारी करते हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ ऐसी है कि आजकल ज़्यादातर इन्वेस्टर करीबन SIP के रूट से करीबन 4,000 करोड़ महीने में इकट्ठा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड की स्थिति भी ऐसी है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कैश आती रहती है इन्वेस्टर की ओर, तो इन्वेस्टर से तो खरीदारी तो करते ही रहते हैं हम, जहाँ पे किसी स्टॉक का वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल से आज कम इस पर ट्रेड कर रहा हो। सर खरीदारी की आप बात करें, खरीदारी लगातार हो रही है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सुंदर म्यूचुअल फंड खासतौर पे जिनको भरोसा है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ वो उनको लगता है कि एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो? हाँ देखो, हमारी और अभी इस बार तो रूरल सेक्टर के ओर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो मानसून का और पे कमीशन का इफेक्ट है, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन की जो एक पोटेंशियल है रूरल इकोनॉमी में, इसके अलावा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली रूरल सेक्टर एक लॉन्ग टर्म आउटलुक से बहुत बढ़िया दिख रहा है, वहाँ पे हम खरीदारी कर रहे हैं। सेकंड है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जहाँ पे बैंक्स को अभी देखिए तो मोनेटाइजेशन के कारण जो कासा अकाउंट्स बैंक में पैसा आने वाले हैं उनसे बहुत बढ़िया उनको लाभ मिलने वाला है, और एट द सेम टाइम रेट कट जो होगी तो वो भी दो तरफ की बेनिफिट देंगी, बैंक्स को एक वैल्यूएशन की गेन आएगी उनके लॉन्ग टर्म के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, और दूसरी तरफ डिमांड में भी बूस्ट होगा, क्योंकि अगर रेट्स कम होते हैं तो बोरोइंग करके कंजम्पशन डिमांड की बूस्ट बहुत सेक्टर्स में हम देखते हैं, तो बैंक्स में हम बुलिश हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरह सरकार ने जो है नोटबंदी का फैसला लिया, उसका असर आपको खासतौर पे बैंकिंग और NBFCs पे कितना पॉजिटिव लगता है, या आपको लगता है कितना ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में NBFCs स्टॉक्स में या बैंकिंग स्टॉक्स में, आपको लगता है कि इस फैसले के बाद इन शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है, या आपको लगता है कि नहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव होगा, लॉन्ग टर्म एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मजबूती आएंगी इन सेक्टर में। देखिए आप रेट कट तो अभी तो प्रॉस्पेक्ट फॉर रेट कट बहुत बढ़ गई है इसके कारण, क्योंकि इतना लिक्विडिटी फ्लश होगा सिस्टम में, और बैंक्स डेफिनेटली इनके बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि एक तरफ उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिपॉजिट रेट के थ्रू कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम्स लेंडिंग रेट्स कम करेंगे तो सेक्टर के लिए डिमांड भी बढ़ सकता है, ऑटोमोबाइल हाउसिंग ऐसे सेक्टर में, तो उनका लोन बुक भी बढ़ने का, रिटेल लोन बुक बढ़ने का बहुत बड़ा गुंजाइश हो सकता है। तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव हैं बैंकिंग सेक्टर में, और डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, ज़्यादातर जो बैंक्स का बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क है, रूरल नेटवर्क है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो अग्रेसिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने रिटेल में रूरल में बहुत ब्रांच नेटवर्क फैलाया है, उनके लिए बहुत बड़ी लाभ होगी। सर शुक्रिया, थोड़ी समय की कमी इसलिए ज़्यादा सब बातचीत नहीं हो पाई आपसे, लेकिन सीधे तौर पे मानते हुए सुंदर म्यूचुअल फंड की राय है कि बाजार में मौका खरीदारी का, यहाँ खरीदारी कीजिए, यहाँ से एक अच्छी रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा RBI की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बैंकिंग और NBFCs स्टॉक्स में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है।